हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आज बनाऊंगी पुदीने की चटनी। तो पुदीना सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, मैंने इसे साफ़ कर लिया है। पुदीने को मिक्सी में डाल दूंगी और पुदीने में मैंने लहसुन और नमक भी डाल दिया है, और साथ में मैंने दो प्याज, दो टमाटर और दो हरी मिर्च को काट कर रख लिया है, और इसे भी साथ में पीस लूँगी। और मैंने इन मसालों को पीस लिया है और अलग बर्तन में डाल दूँगी, और एक बर्तन में तेल डालकर गरम कर लूँगी। और इसमें मैंने जीरा, हींग, राई, सौंफ को डालकर चटकने लिए रख दूँगी। जब ये हल्का भूरा तल जाए तब इसमें ये पीसे हुए मसाले डाल देंगे। अगर किसी को खट्टी मीठी चटनी पसंद है तो नींबू का रस डाल सकते हैं, केरी भी डाल सकते हैं। अभी इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ही है तो इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे तो पानी कम हो जाएगा। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। और इस चटनी को आप सब्जी की तरह न बनाकर सीधा भी खा सकते हैं। तो मैंने अब मसाले ऐड किए हैं। 3 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, और 5 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है क्योंकि हमें तीखा पसंद है, और नमक मैंने मसालों में पहले ही पीस लिया था। और दोस्तों, ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। आप घर पर ज़रूर बनाइएगा और इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। मसालों को मैंने अच्छे से मिला दिया है और ढककर हम इसे 5-10 मिनट के लिए पकाएंगे, और देखते हैं कि हमारी चटनी तैयार है। और दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर लिखना, और वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना जी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।